साइबेरियन हस्की कितना अच्छा लग रहा है इसको। हाँ बेटा बस एक गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल अपना बैग ना पैक्ड हो रहा है, लास्ट मोमेंट पैकिंग। और अभी टाइम कितना हो रहा है भाई? अभी टाइम हो रहा है 10:14 और अपन अभी तक निकल नहीं पाए क्योंकि रात में लेट तक काम करते रहे। और फिर तो अभी काम करेंगे, जल्दी जल्दी इसको पैक करेंगे, अपना चाय और सैंडविच कंप्लीट करेंगे और गाड़ी में सामान डालेंगे क्योंकि एक्सयूवी में ना कुछ सामान इंपॉर्टेंट है जो कि वापस से थार में शिफ्ट। अब इतना ही आ सकता है इसमें सामान भाई? एक सीट मैंने फोल्ड कर दिया क्योंकि एक साइड अपना स्पीकर है ना, तो एक सीट फोल्ड करके ऊपर भी आ सकता है, मतलब यहाँ तक तो सामान आ सकता है। बट अपन ना क्योंकि 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो अपन एक छोटा बैग ही लिए, तो ये बैग यहाँ पे कंफर्टेबली आ गया और एक सामान मैंने इधर रख दिया। अब इसका जो टूल किट है ना, मतलब जो पाना वाना है वो सारा इसमें है, तो कभी कभी ना खटर खटर बसता रहता है, इसका भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैग है, तो ये अपना रिकवरी बॉक्स है, तो इसको भी डाल दिया है। अब लैपटॉप को ना, ये दोनों सीट को गिरा देते हैं, उसके ऊपर लैपटॉप ना कहीं आगे रख देते हैं साइड में, तो ये लैपटॉप तो आगे भी आ जाएगा, ये दोनों पीछे रहेगा तो ढकढक नहीं करेगा। तो यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी जीरो कर देते हैं और इसको रीसेट कर देते हैं जी, फ्यूल इन्फो को रीसेट कर देते सो दैट अपने को एवरेज पता चले। अभी तो सबसे पहले इसमें 259 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, आधा टंकी फ्यूल बचा है, तो अभी इसमें सबसे पहले टेल लेते हैं। और फास्टैग मैंने लगवा लिया था, बट जिस दिन लगवाया था ना टोल से उस दिन ये काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को डबल पैसे देने पड़े थे। तो अभी किस्मत के भरोसे हैं कि भैया अगर फास्टैग नहीं काम करा ना तो शायद अपने को डबल पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने पड़ेंगे तो अपने पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूल भराएंगे, ATM जाके पैसे निकालेंगे और सीधे यहाँ से निकल जाएंगे लखनऊ की तरफ। गाड़ी कल धुलवाई ना तो देखो क्या चमचम आ रही है यार, अभी तो नहीं है ना, एकदम शाइन मार रही है। अब इसमें PPF के लिए ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि PPF बहुत अलग अलग तरीके का है और PPF के लिए कोई कुछ रेट बता रहा है, कोई कुछ रेट बता रहा है। यार इस गाड़ी का एक और स्यापा है कि आपको ना चाबी देनी पड़ती है, गाड़ी ऑफ करना पड़ता है, मतलब ऐसे कहते हैं ना पेट्रोल पंप पे गाड़ी ऑफ कर दो तो इसमें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो अपन 87.05 मतलब 87 रुपीज डीजल अभी फुल टैंक करा लेंगे, हवा डलवाने की जरूरत नहीं है, टायर टॉनिक से तो पता चलता रहता है कि हवा कम है ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि हर ट्रिप से पहले आपको हवा डालने की जरूरत पड़े। तो अच्छा यार कुछ कुछ फीचर्स अच्छे हैं, कुछ कुछ यार देखो जैसे बैग ना, मैं सीरियसली मेरे को बहुत ज्यादा सामान कैरी करने का आदत है, तो मैं हमेशा अपने साथ बहुत सारी चीजें कैरी करता हूँ, इसमें बड़ा लिमिटेड और सोच के कैरी करना पड़ा यार, ये रखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये रखूंगा तो वैसा हो जाएगा, जबकि पीछे वाला सीट अभी तक हटाया नहीं है। वैसे तो मेरा प्लान था कि पीछे वाला सीट पूरा हटा दूंगा, बट ठीक है जब तक चल रहा है चल रहा है। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बाकी तो इस ट्रिप पे पता चल जाएगा कि गाड़ी हाईवे पे कैसा परफॉर्म कर। देखो कल ऑफ रोड हम करके देख चुके हैं, तो ऑफ रोड में तो गाड़ी बहुत ही मजेदार थी, बट एग्जैक्टली हाईवे पे क्या कॉन्फिडेंस दे पाती है गाड़ी, क्योंकि एक्सयूवी बहुत ही फन टू ड्राइव व्हीकल, एक्सयूवी 500 जो मेरे पास पहले है धन्नो, तो धन्नो बहुत फन टू ड्राइव व्हीकल है। और धन्नो को ना भाई आप 150 पे भी चलाओ ना तो धन्नो हिलती नहीं है, सीधी चलती है और ब्रेकिंग वेकिंग बहुत सही है। इस गाड़ी में वो सारी चीजें आज पता चल जाएगी और यही प्राइमरी रीजन है कि अपन इस गाड़ी को लखनऊ लेके निकले, क्योंकि हाईवे एक्सप्रेस वे पे स्पीड टेस्ट, इसका माइलेज टेस्ट और बाकी गाड़ी का स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग टेस्ट आज हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में पीक टाइम पे निकलना ना, मतलब भैया आप ट्रैफिक से तो बच ही नहीं सकते हो, और अभी दिल्ली मतलब एक्चुअली गुड़गांव से नोएडा पहुंचना ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट एक बार अपन नोएडा पहुंच गया ना फिर ग्रेटर नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा से आगरा और आगरा से लखनऊ पीनट्स है। यहां पे मैं पिछले आधे घंटे से बताऊं, जब निकला था तो ETA था ऑलमोस्ट 7 बजे का, वो बढ़ के ना 7:30 हो गया है। अब ये जैम ना ऐसे सामने तक दिख रहा है, देखो दूर तक ना जैम ही जैम दिख रहा है। भाई साहब धूप भी चली गई और ऐसा लग रहा है कि ऊपर इंद्रदेव आज मेहरबान होंगे, भाई बारिश आने वाली है।
और यहाँ से आगरा का डिस्टेंस है 185 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर हो रहे हैं, मतलब अनदर 185 किलोमीटर्स ऑफ ऑसमनेस। एक्चुअली आगरा से आगे भी ना लखनऊ, अगर आप मेरे ब्लॉग्स को पहले से फॉलो करते हो तो इस रोड पे बहुत बार हमने ट्रैवल किया है। लखनऊ तक के रोड्स तो आगरा वाले रोड से भी ज्यादा अच्छे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैकेट मैंने खोल दिया था क्योंकि अंदर हल्का सा ब्लोअर ऑन किया था, कंफर्टेबल रहता है ना यार, कुछ पहन के चलाने में ना उतना मजा नहीं आता है। तो अभी 12:40 और अभी भी सामने धुंध है। अब जी फास्ट टैग तो हमने लगवा लिया था और एक बार टेस्ट किया तो वो चल नहीं रहा था, मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे फास्ट टैग नहीं चला ना तो अपने को लखनऊ जाना अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए का टोल पड़ेगा। 2000 रुपए 500 किलोमीटर के लिए बहुत है बॉस। तो होपफुली फास्ट टैग चले यार, अदरवाइज जस्ट डबल, मर जाएंगे भाई, बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पीछे मैंने जो बैग रखा है ना वो खटर 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 ऐसे करके ना बज रहा है। अब वो गाना चल रहा है तब तक तो सही है, बट अगर गाना नहीं चल रहा ना तो देखो ये ना टच टच होके ना आवाज आ रहा है, वो सही नहीं लगता यार। ऐसे पहला टोल आने वाला है तो वहां पे रियलिटी चेक हो जाएगा, भैया फास्टैग चला कि नहीं चला। थैंक यू, हो गया। ओके फाइनली फाइनली जिसका डर था वो नहीं हुआ। अब जो फॉग हमें दिल्ली के स्टार्टिंग में, मतलब इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग में मिल रही थी, वहां तो मस्त है भाई, धूप उप आई हुई, मुझे लग रहा था बारिश होगी, मस्त बारिश में एंजॉय करते हुए चलेंगे। बट ठीक है यार, बारिश होती है ना तो एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बारिश में तो बहुत मजा आता है, उसके बाद जो आगे वाली गाड़ी रहती है ना उसके पूरे छींटे आपके ना शीशे पे पड़ते हैं और पूरे टाइम आपको वाइपर फ्लूइड यूज करके वाइपर चलाना पड़ता है, तो वो बड़ा थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। अदरवाइज गाड़ी इज डूइंग गुड, देखो एकदम स्टेबल है गाड़ी। अभी मैं 98 के स्पीड पे हूँ और गाड़ी मतलब ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि यार इधर उधर कूद रही है या भाग रही है, बहुत ज्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि भैया ये है टैंक, छोटा टैंक। टैंक का क्या है ना हिसाब किताब भाई, कि टैंक ना धीरे चलती है लेकिन कहीं भी चली जाती है, तो वो नॉर्मल एक्सयूवी रहती तो एक्सयूवी है भाई कार, ये है थार, तो थार अपनी ना धीरे चलती है, मतलब धीरे इन द सेंस कि ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चल सकती है, बट या उतनी सेफ और कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड कर पाती है ड्राइवर में कि भाई मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड पे एकदम मस्त चलूंगी, ब्रेकिंग एकदम मस्त हो जाएगा, जैसे पंजे पे पैर रखोगे गाड़ी रुक जाएगी, वो सब नहीं है। बट हाँ बेटा, तुमको कहीं पहुंचा दूंगी मैं। यहाँ पे लेंगे जी अपन पहला हॉल्ट। अरे इतना तेज क्यों आ रहा है भैया, डरा ही दिए ना मुझे, कोई पता नहीं राइट से आ रहे हैं लेफ्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला हॉल्ट लेते हैं अपन, डीजल तो भरवाना नहीं है बट अपन को खाना खाना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अरे कॉफी, ये लास्ट टाइम आया था ना तो ये ना सुबह सुबह के टाइम पे खुलता नहीं है, तो अगर सुबह आ रहे हो तो भैया कॉफी तो भूल ही जाओ। अब वो कॉफी मिलने से रहा, सामने गाड़ी के लिए जगह है, हाँ जगह है, यहाँ पे लगा देते हैं आराम से और अंदर चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे सबवे है तो सबवे पैक कराएंगे, मतलब खाएंगे, और बगल में ही कॉस्टा है तो कॉस्टा से कॉफी उठा के सीधे गाड़ी में। तो यहाँ पे एक कैरेट हनी केक ये एक पैक करा रहे हैं, और मैंने 2 कुकीज़ भी ले लिया है सबवे से और कैपेचिनो, तो कैपेचिनो तो अभी उठा लेंगे। बाकी लखनऊ तक अगर रास्ते में कुछ खाने का मन किया तो अपने पास खाना ऑलरेडी है, क्योंकि इस हाईवे पे ना खाने के कम ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा खाना क्योंकि अपन ले के नहीं चले थे तो उठा लेते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इस गाड़ी में एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस कम है, तो देखो कॉफ़ी अपना इधर आ गया, इधर तो 2 एक्चुअली परफ्यूम था तो मैंने एक को निकाल के इधर रख दिया, एक को अभी साइड में रख लेंगे, और केक वेक अपना सीट पे ही है, तो मतलब सिंगल आदमी के जाने के लिए सही है। बाकी अगर एक दो आदमी बढ़ गए ना भाई तो इसमें नहीं जा सकते। अब यहाँ पे हो रहा है 2:25, 2:30 बज रहे हैं, तो अब यहाँ से निकलेंगे और सीधे बढ़ेंगे आगरा की तरफ। यहाँ से आगरा कितना अच्छा, अभी तो आगे नहीं दिखा रहा है, बाकी यहाँ से लखनऊ अपन दिखा रहा है कि 8:00 बजे तक पहुंचेंगे, 5 घंटे करीब, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बाकी है। एक सौ बीस पे क्रूज कर रहा था यार, क्या मजेदार। और मैं 120 पे ना हल्का सा कटिंग वटिंग भी मारा था, 2 गाड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी हो रही थी। अब मैं गाड़ी के बारे में इतना इसलिए बात करूं क्योंकि इस गाड़ी को इतना लॉन्ग मैंने कभी नहीं चलाया, तो डेफिनेटली यार गाड़ियों से जिनको प्यार है तो गाड़ी के बारे में बात करना तो वाजिब है ना। तो अभी लास्ट टोल है जस्ट बिफोर आगरा, इसके बाद एक 35 रुपीज का टोल आएगा और उसके बाद लखनऊ वाला टोल आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपए का रहेगा।
तो मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। और ऐसा ना, मतलब मुझे वैसे ऐसा लग रहा था कि पहले ना अंडर थाई सपोर्ट कम है ना, तो थोड़ा सा फटीग फील होगा, बट फिलहाल अभी तक तो नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं, जब 600 किलोमीटर हम पूरा कवर कर लेंगे लखनऊ तक, तो एग्जैक्टली बॉडी कैसा यू नो रिस्पॉन्ड करती है। XUV 500 में बॉडी को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप ड्राइविंग के वजह से थक गए हो। नॉर्मली फटीग नींद नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा है तब उसकी वजह से थकते हैं, बट ड्राइविंग में इसमें भी बहुत मजा आ रहा है यार। स्पेस कम है थोड़ा, तो ये रहा जी ताज एक्सप्रेसवे। आगरा से हम लखनऊ की तरफ एंटर किए। अब 300 किलोमीटर इसी एक्सप्रेसवे पे बिना किसी टर्न के सीधे क्रूज पे डाल के गाड़ी चलाते जाना है। और ये सामने जो ये एक्चुअली लाइट्स है ना, स्ट्रीट लाइट्स टाइप का, जहां जहां भी डाइवर्जन बोले तो जहां जहां भी एग्जिट है ना, वहां पे ऐसे लाइट्स आपको दिखेंगे। तो ये तो ऐसा लगता है ना जुरासिक पार्क में, जैसा नहीं था कि इसमें वो करंट वाले तार, वैसा ही है ये, एकदम ऐसा ही लगता है कि जैसे जुरासिक पार्क में एंटर हो रहे हो। ये फास्टैग का कौन सा है, गलत तो नहीं? हाँ ठीक है, सब में फास्टैग हो गई। धूप अच्छी आ गई है ना, मतलब सनलाइट आ गया है, तो यार फुटेजेस बहुत क्लियर आ रहे हैं। क्लाउडी में ना उतना मजा नहीं आता है, मतलब आपको भी देखने में मजा नहीं आता, को मेरे को रिकॉर्ड करने में तो भी मजा नहीं आता है। जिस हाईवे पे वैसे तो स्पीड लिमिट 100 का है, बट यार इतना अच्छा रोड है, इतना अच्छा रोड है ना। तो अभी आपको पता है क्या, मैं अभी फिलहाल हूँ 110 के आसपास, और मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि यार नहीं 100 से ऊपर ज्यादा नहीं जाना है। 100 से ऊपर, 100 पे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिटी में ना 10-20 पे चला रहा हूँ ना, वैसा लग रहा है। यहाँ पे सोचा थोड़ी देर स्ट्रेच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है ना, तो गाड़ी साइड में लगा के थोड़ी देर स्ट्रेच करने का मन किया। मैंने कहा बहुत देर से खींच रहा हूँ गाड़ी, अब थोड़ा सा एक बार ना 5-10 मिनट का स्ट्रेच से ना पूरा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो सही लगता है। गाड़ी बहुत मस्त लग रही है यार। प्लान ये है कि इस जो ग्रे टाइप का जो एलॉयज है ना, इसको पूरा ब्लैक कराने का। मेरे को गाड़ी में क्रोम इसमें तो एटलीस्ट पसंद नहीं है, तो ये पूरी गाड़ी इसीलिए मैंने ब्लैक ली, ताकि जो क्रोम पार्ट है ना, पता नहीं ये कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, बट क्रोम पार्ट जो बाकी है ना उसको ब्लैक कराने का मन है। अंदर बैठते यार, बाहर ठंड लग रही है, जैकेट नहीं पहना ना, चढ़ना भी ना एक टेंशन ही है। अब शीशे में ना देखो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब ये देखो ये दाग वाग लग गया है, मतलब कीड़े वीड़े मर गए ना, तो रात होने के पहले ना जहाँ पे रुकेंगे ना चाय पीने, तो वहाँ पे इसको साफ कर लेंगे। पानी ज़्यादा कैरी नहीं कर रहा तो वहीं से पानी लेंगे, या फिर थोड़ा एक बॉटल है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो वो वाला बॉटल निकाल के ना उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। साफ शीशा रहता है ना तो विजिबिलिटी क्लियर रहती है, सामने से जो लाइट आती है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब इस हाईवे पे, मतलब ताज और यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो फॉग की वजह से होते हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से, क्योंकि गाड़ियों का स्पीड बहुत रहता है, दूसरा टायर बर्स्ट होने की वजह से। तो जब भी अगर आप इस हाईवे पे आ रहे हो ना, तो अपना एयर प्रेशर, टायर का प्रेशर जरूर चेक कर लो, बिकॉज कंटिन्यूस आप बहुत देर तक चलते रहते हो ना, तो अंदर हवा जो है ना वो गर्म होकर ना टायर बर्स्ट होते हैं। प्लस अगर आपका टायर पुराना है ना, तो कोशिश करो कि धीरे ही चलो, 100 से नीचे चलो, ऑटोमेटिकली आपका 100 से स्पीड ऊपर बढ़ने वाला है, तो टायर प्रेशर कम रखो। तो यहाँ पे हमें कुछ भाई लोग मिले, और एक्चुअली पता है क्या, ये डॉग लेके दिल्ली से आ रही है, साइबेरियन हस्की है। मैं तो इसको देख के ही फैन हो गया यार, थोड़ा सा गुर्रा रहा था इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया, अदरवाइज कितना क्यूट है यार, कितना क्या। वॉल्टर नाम है, वॉल्टर गुस्सा कर रहा है, अभी पहचानता नहीं है ना। डॉग की स्मेल आ रही है। अच्छा, ओ हाँ, अभी सुसु बॉटी है, मस्त पीछे बैठा है, एकदम कंफर्टेबल इनोवा के, मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो यही होगा, सबसे ज्यादा स्पेस है इसके पास। सही है, वॉमिटिंग नहीं करता है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, ट्रैवल करता है आप लोगों के साथ, मतलब बराबर, आप बैठना नहीं पड़ेगा, सीधे अंदर हो जाएगा। अगर ये भागने लगे तो डिग्गी खोल के हॉर्न दीजिए, वॉल्टर सीधे के घूमेगा, वो पता जाएगा छोड़ के नहीं चले जाए। सही है सही है सही है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। चलो चलो चलो, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, खाना वाना सब यहीं पे, एकदम मस्त, बस काटना मत बेटा, हाँ मैं बस प्यार कर रहा हूँ। साइबेरियन हस्की कितना अच्छा लग रहा है इसको, हाँ बेटा बस कुछ कर, नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, हाँ चलो बैठा जाए, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है, सर लोग भी जा रहे हैं और अपन भी गाड़ी में बैठते हैं। बाहर निकला ना तो ठंड लग रही थी, मैंने तो जैकेट निकाल लिया, मैंने कहा भैया ठंड से इश्क और रिस्क नहीं लेना, तो अभी चलो ये अच्छा है यार, ऑटोमेटिक में ना गियर वेयर का कोई टेंशन ही नहीं, एक बार लगाओ और झन्नाटेदार तरीके से जब तक चल रहे हो ना तक चलते रहो, बेल्ट लगाए पहले।